गजब का नज़ारा यार, ऐसा नज़ारा कहीं देखने नहीं मिलता है, सुपर डुपर। मैं देखिए एक और डीजे, दो तीन, ये देखिए तीन, अरे बाप रे ये क्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूरज, स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी को मसान का होली, समझ रहे हैं, बनारस में सबसे फेमस मनाया जाता है, तो आज मैं स्पेशली उसी के लिए चल रहा हूँ और आज की वीडियो में आप सभी को मैं मसान का होली दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा मैं भदोही ज़िले से एक छोटे से गांव से हूँ और लगभग यहाँ से देखा जाए 80 किलोमीटर की दूरी है बनारस, समझ रहे हैं, 80 किलोमीटर दूर भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और जैसा कि मेरे घड़ी में इस समय बज रहा है 8:50 हो रहा है, तो मुझे 2 घंटे लगेगा पहुँचने में, वहाँ मनाया जाएगा मसान का होली, ठीक है। तो जैसा भी होगा आगे आप सभी को मैं दिखाऊंगा बताऊंगा, तो बने रहेगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो जितना पॉसिबल रहेगा आप सभी को दिखाऊंगा बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली आपसे भी बताना चाहूँगा मैं 40 किलोमीटर बाइक चला के आ गया हूँ और मैं जस्ट अभी हाईवे पर हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, चलिए मैं सामने से दिखाता हूँ क्योंकि पीछे बंद हो रहा है। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ है राजा तालाब 9 किलोमीटर, तो मुझे उधर उस साइड चलना है। और ये एक स्टेयर बनाया गया है और साइड में देख रहे हैं ये हाईवे रोड है और वहाँ से मैंने पेट्रोल लिया है, जस्ट अभी उधर पेट्रोल पंप है तो मैंने पेट्रोल लिया है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे मसान की होली की तैयारी हो रही है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने पेट्रोल ले लिया है, अब सीधा मैं चलता हूँ बनारस यानी काशी और वहाँ पे आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि मसान की होली कैसे खेला जाता है, कैसे खेलते हैं, कैसे तैयारी होता है, कैसे क्या होता है, A to Z सब कुछ आप सभी दिखाऊंगा बताऊंगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा लाइक करके। चलिए मैं बनारस आ गया हूँ, लगभग 80 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ और कंटिन्यू मैं चला के मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँचा हूँ। और जैसे ही मैं पहुँच रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुका है, मतलब यहाँ से शोभा यात्रा निकाला जाएगा मसान का, ठीक है। तो मसान का होली का जो भी सीन होगा A to Z मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बने रहिए कहीं जाइएगा नहीं। तो दोस्तों चलिए आप सभी को मैं पूरा यहाँ का सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयारी हो चुका है, यहाँ पे देखिए DJ आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे DJ लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको सामने। और यहीं बगल में दिखाना चाहूँगा, देखिए एक और DJ, दो तीन, ये देखिए तीन, अरे बाप रे ये क्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ यहाँ पे दिख रहा हूँ ना। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है, देख रहे हैं। और इधर हम इधर से साइड में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए साइड में देख सकते हैं इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बस ही कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे सब, तो जैसा ही शोभा यात्रा निकलेगा आप सभी को मैं पूरा यहाँ का सीन दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ से बताना चाहूँगा ये विश्व का सबसे अलग ही होली माना जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अघोर पीठ बाबा किनाराम स्थल त्रिकुंड लिखा हुआ है और ये गेट है और यहीं से हर साल शुरुआत किया जाता है और यहाँ से चलेगा राजा हरिश्चंद्र घाट तक धूमधाम से। DJ साउंड लगा हुआ है, देख सकते हैं आसपास का लोकेशन थोड़ा सा यहाँ बंद हो रहा है, मैं सही कर दे रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे आपसे दिखाना चाहूँगा लोग दूर दूर से, बहुत सारे फोटोग्राफर मीडिया वाले बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप देख रहे हैं कैमरा सेफ्टी पर्पज़ से प्लास्टिक से ढका गया है और काफ़ी ये जान लीजिए कि धूमधाम से मनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए भीड़ लगा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा चल के। तो ये देखिए कुछ ढोल टाइप का ऐसा दिख रहा है और इसको हिट किया जा रहा है, मतलब जब ये हिट होता है तो आवाज़ थोड़ा अच्छा आता है, तो यहाँ पे इस तरह से तैयारी चल रहा है। दोस्तों आप सभी को मैं गेट के सामने से यहाँ से दिखा रहा हूँ बाबा किनाराम का स्थान, देख रहे काफ़ी खूबसूरत यहाँ से व्यू हमें देखने मिल रहा है, तो मुझे लगा चलिए यहाँ से दिखा देते हैं। बाकी आप सभी को मैं बाहर से कहाँ पहुँच कर लगा आपको दिखाऊँगा बताऊँगा। ये देखिए अभी यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है, शुरुआत में कुछ इस तरह से तैयारी चल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर क्राउड हमें देखने मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है नज़र आ रहा है। एक बार मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी तैयारी हो चुका है और आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों मेरे इस चैनल पे आप सभी को 2-3 पार्ट में हो सकता है वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। और एक पार्ट है ये देख रहे हैं, दूसरा पार्ट भी आएगा, तीसरा भी पार्ट आएगा और यहाँ का सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बने रहे जाइएगा नहीं पूरा देखिएगा। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ सामने लोग आ गए हैं, चलिए आप सभी दिखाता हूँ नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी भागदौड़ मचा हुआ है, ये देखिए देख सकते हैं गजब का नज़ारा यार, ऐसा नज़ारा कहीं देखने नहीं मिलता है, सुपर डुपर। और फाइनली अंदर चले गए हैं, जैसे ही अभी आएंगे बाहर तो आप सभी पूरा सीन दिखाऊंगा।
तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंजॉय करेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को मैं ये पहले पार्ट में दिखा रहा हूँ दोस्तों, अभी जस्ट आए हैं और अंदर चले गए हैं, ठीक। जैसे ही बाहर आते हैं तो मैं आप सभी को पूरा सीन दिखाऊंगा, और जस्ट अभी कुछ ही टाइम में यहाँ से शोभा यात्रा निकाला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही चलेंगे आप सभी को पूरा ए टू जेड गारंटी साथ में दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल आप सभी को ये पहले पार्ट में दिखा रहा हूँ, बाकी सेकंड पार्ट देखना नहीं भूलिएगा।